मध्य प्रदेश के खरगोन शहर के ज्योति नगर बगीचे के सामने नगर पालिका द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने सोमवार को विरोध किया और नगर पालिका पहुँच कर एक ज्ञापन भी सौंपा रहे। वासियों का कहना है कि रोड की खुदाई की जा रही है, जिसमें आरसीसी की सड़क बनाई जाएगी, जिससे बारिश का पानी घरों में भरा जाएगा। नागरिकों ने मांग की है कि पुरानी सड़क की खुदाई करके फिर आरसीसी के बदले डामर की सड़क बनाई जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। रोड बनाया गया था तो रोड की हाइट बहुत ज्यादा कर दी गई, जिसके चलते रहवासियों के घर में पानी की समस्या आने लगी बारिश के मौसम में। अब ये बोला जा रहा है कि अब 6 इंच और इस रोड को उठाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर पानी की और ज्यादा समस्या आएगी। रहवासियों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि अगर ये रोड बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा इसका लेवल कम कर लिया जाए या फिर इस पर डामरीकरण कर दिया जाए, जिससे पानी की जो अभी समस्या आ रही है वो ना तो बढ़े और अगर हो सके तो कम हो जाए। अगर ये रोड थोड़ा सा कम होता है तो उससे पानी की समस्या बहुत कम हो जाएगी। नहीं भी आप साहब से मिले जोशी जी से, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें कहा कि अभी वो जो है उनका डिपार्टमेंट सिवेज वाला है, तो वो नालियों के संबंध में बात करेंगे, तो हमने उन्हें नालियों से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो बता दी है। और सरजू सांगली जी जो है वो रोड से संबंधित इंजीनियर है, तो उनसे हम लोग अब जाकर मिलने वाले हैं, तो उनसे भी और साथ में CMO साहब को भी हम लोग एक लेटर देने वाले हैं, जिसके अंदर इन्हीं समस्याओं का वर्णन करा गया। क्या नाम है आपका? शुभम जायसवाल। हमारे घरों में पानी आ गया है, क्या क्या आश्वासन दिया आपने? ज्योति नगर में पानी की समस्या है। मेन नाला जो कॉलेज के सामने से जा रहा है पिस्टान रोड वाला, उसका 1 फीट की विड्थ है, केवल चौड़ाई 1 फीट की है, और ज्योति नगर की भी 4-5 गलियों का पूरा पानी है, तो ये पानी पूरी तरह से ड्रेन ऑफ नहीं हो पा रहा है। और ज्योति नगर में CM के हेल्पलाइन जो है वो कम से कम 8-10 लोगों ने अलग अलग तरीके से कर रखी है। तो अभी इन लोगों के जो यहाँ पे ज्योति नगर क्षेत्र का जो पानी है, इसको निकालने के लिए अभी हम सर्वे कर रहे हैं। अभी आधे घंटे में हमारा सर्वे हो जाएगा और ये सर्वे के माध्यम से हम यहाँ पे नाला जो है दोनों साइड नालियाँ बना देंगे और विस्तान रोड पे पेट्रोल पंप से लेके कॉलेज के नीचे तक का जो हिस्सा है, जहाँ पर वो हमारा गार्डन वाला बगीचे वाला जो बैठा है वहाँ पे, तो वहाँ तक का हम नाला बना देंगे। चौड़ाई उसकी ज़्यादा ले लेंगे, अभी सेक्शन बहुत छोटा है, पानी पूरा ड्रेन ऑफ नहीं हो पाता है। ये इन लोगों की मूल समस्या है, इसको ठीक करा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।